मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी में टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा नाम इशू ऑफ शेयर। तो हम इसमें पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर में। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर देंगे, ये कंपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो यहाँ पे तीन फीचर्स यहाँ पे मेंशन करता है कंपनी। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल पर्सन कोई भी काम कर सकता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है कि उस स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकता। किसके द्वारा बनाई जाती है? ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है। इसका निर्माण है जो एक ह्यूमन बींग द्वारा किया जाता है। सेकेंडली बात कहते हैं इसका जो क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। हैविंग सेपरेट एंटिटी मतलब क्या है कि इसका जो अस्तित्व है वो इसके सदस्यों से अलग होता है, इसके मेंबर से अलग होता है। उसके बाद कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व जो लगातार बना रहता है। तीसरे लास्ट में रिज हमारा एक कॉमन सील। तो कॉमन सील क्या होता है? एक स्टैंप होती है, एक मोहर होती है। रिजे हम इसके डिस्कस करते हैं तो कंपनी की डेफिनेशन रिजे एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो हम इसकी जो ये फीचर्स के अंदर इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा आपका क्रिएटेड बाय लॉ, उसका जो निर्माण है वो एक लॉ के द्वारा होता है। कंपनी एक 2013 के अंदर इसका जो लॉ बनाया गया उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसका बनाया जाता है। तीसरा रिजी का सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि जो कंपनी का जो अस्तित्व है उसके मेंबर से अलग होता है। कैसे मतलब सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर किसी कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, मतलब सेल करनी है, बाय करनी है, तो वो खुद के नाम से करेगी। अगर किसी कंपनी को कोई भी कंपनी उसको अपने बैंक में अपने अकाउंट खुलवाना तो वो अपने नाम से खुलवाएगी। अगर कोई चेक लगवाना तो अपने नाम से लेगा। तो इनमें सारे काम है जो उसके बिहाफ पे होंगे। अगर इवन एक कंपनी ने अगर कोई लोन भी लिया है तो उसके जो क्रेडिटर होंगे, जो लेनदार होंगे, वो कंपनी पे ही क्लेम कर सकते हैं, उसके मेंबर पे क्लेम नहीं कर सकती। तो इट मीन्स कहने मतलब ये हुआ कि एक जो कंपनी है उसके जो मेंबर से जो इसकी एंटिटी है जो इसकी कैसी हो सेपरेट है, मतलब अलग एक पहचान है इसकी। उसके बाद कहते हैं जी आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है? लगातार अस्तित्व। लगातार अस्तित्व मतलब क्या है कि कोई भी मेंबर अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है कंपनी के अंदर, या फिर कंपनी को कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है मेंबर, या कोई कंपनी से रिटायरमेंट लेते हैं, तो उस केस में कंपनी क्लोज नहीं होगी, तो उस केस में कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये परपेचुअल सक्सेशन ही कहता है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है आपका एक कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? सार्वभौम मुद्रा होती है, स्टैंप होती है। जैसे अगर कोई कंपनी स्टैंप होती है, कंपनी स्टैंप किस में काम आती है? अगर किसी कंपनी जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है वो बैंक में जाता है, बैंक में अगर कोई चेक लगवाता है या फिर कुछ भी काम करता है तो वो अपने साइन कर देता होगा, इसलिए बिल्कुल बनता है। बट एक कंपनी साइन क्यों नहीं कर सकती? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए तो क्या करने का पड़ेगा? कंपनी को अपनी स्टैंप लगानी पड़ेगी। मतलब ये कंपनी की जो कॉमन सील होती है ये क्या होती है? एक स्टैंप होती है, कंपनी की मोहर होती है जो कंपनी के नाम से। अगर ये स्टैंप किसी भी डॉक्यूमेंट पे लग जाती है तो वो डॉक्यूमेंट कंपनी तरफ से क्या हो जाती है? ऑथराइज हो जाती है। मतलब कि कंपनी उसमें लेन देन कर सकती है। कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे कंपनी को बैंक में पैसे निकलवाना है तो कंपनी के नाम से अगर कोई बैंक पैसे निकलता है तो उस वाउचर पे कंपनी की स्टैंप लगाई जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? ऑथराइज बन जाएगा, तो कंपनी से अप्रूवल मिल जाएगी उसको। उसके बाद कहते हैं रिजे, आई होप ये क्लियर हो गया आपको सारे पॉइंट्स। तो आप फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में पहले पॉइंट रिजे आपका, इसका हम फीचर विशेषताएं पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट रिजे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। जो एक मेंबर्स है उसकी जो अलग पहचान होती है किसी कंपनी से, क्योंकि कंपनी है जो अपने नाम से, कोई भी कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है। तो उसके बाद कोई भी अपने अगर उसको बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवाए तो अपने नाम से खुलवाएगी, तो उसका मेंबर का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। तो मीन उसकी जो एंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसके मेंबर से वो अलग रहेगी। सेकंड पॉइंट है आपका परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि अगर किसी मेंबर्स की इंसॉल्वेंट होता है, डेथ होती है या रिटायरमेंट लेते हैं कंपनी से, तो कंपनी क्लोज नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तो कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। जो एक मेंबर है उसकी लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी की कोई कंपनी है उसके शेयर होल्डर की जितने भी शेयर लिए उसने, तो उसकी जो शेयर होल्डर जितने भी लिया उसकी जो फेस वैल्यू है उस तक ही लायबिलिटी रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे
एक सपोज करते हैं एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर लिए, 10 का एक शेयर है, तो कितने रुपए देने हैं उसको जी, 1000 रुपए उसको देने हैं। बट उसने सपोज करते हैं 700 उसने पे कर दिया, कितने पे कर दिए 700, तो कितने बस गए यहाँ पे 300 ही उससे मंगवाए जा सकते हैं, इससे ऊपर उससे नहीं मंगवाए जा सकते। तो इट मीन कहने मतलब ये हुआ कि उसके जो मेंबर की लाइब्रेरी है वो फेस वैल्यू तक ही सीमित होगी, मतलब जो उसने शेयर लिए है। तो इट मीन कहने मतलब ये हुआ कि जो उससे लाइब्रेरी होगी वो लिमिटेड होगी, उससे उसकी लाइब्रेरी अनलिमिटेड नहीं होगी। तो इट मीन उससे उतना ही पैसा मंगवाया जाएगा जितने उसने शेयर लिए, मतलब शेयर के हिसाब से, मतलब जितनी फेस वैल्यू बनेगी उसकी, टोटल वैल्यू बनेगी, उतने ही पैसे उससे मंगवाए जा सकते हैं। तो उसके बाद करते हैं लिमिटेड लाइब्रेरी। उसके बाद कॉमन सील, एक कंपनी एक स्टैंप होती है कि अगर कोई कंपनी किसी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करना चाहती है तो यहाँ पर कंपनी स्टैंप लगा देगी और कंपनी की तरफ से क्या हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर का मतलब क्या है कि कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी दूसरे शेयर होल्डर, दूसरे पर्सन को अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब दूसरे पर्सन को दे सकता है। कब के दे सकता है, बट यहाँ पे कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसको फॉलो करके ही वो कंपनी को एक शेयर होल्डर दूसरे पर्सन को या फिर दूसरे शेयर होल्डर को अपने शेयर को बेच सकता है, मतलब दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है हमारा, बहुत अच्छा पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। जो मैनेजमेंट है और जो ओनरशिप है ये दो अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ कह रहे हैं, यूनिट है, इकाई है, या फिर कुछ मान सकते हैं हम पे। तो मैनेजमेंट जो ओनरशिप से अलग होती है, मैनेजमेंट कौन होती है, जो कंपनी को चलाती है, कंपनी कौन चलाते हैं जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, जिनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। बट ये तो हो गया जी मैनेजमेंट, जो कंपनी को चलाती है, तो मैनेजमेंट कौन हो गए जी आपके, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब बात आती है जो ओनरशिप की, ओनरशिप मालिक कौन होते हैं जी, कंपनी मालिक कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, वो होते हैं आपके ओनरशिप, ओनरशिप ओनर होते हैं मतलब शेयर होल्डर। तो बिल्कुल बात क्लियर है जी, ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी पैसा लगाते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो मैनेजमेंट होते हैं, जो क्या होती है कंपनी को चलाती है जी, बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको फीचर्स क्लियर हो इसे भी स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं जी काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती है जी। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है तीन टाइप की कंपनी होती है। फर्स्ट वन है आपकी अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तीसरी है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। फर्स्ट वन की बात करते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल मेंशन है आपको अनलिमिटेड, नाम से वर्ड से क्लियर हो रहा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या है कि जो इसके मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। वो कहने मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी ने, इस तरह की कंपनी में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने किसी से लोन लिया है तो उस लोन को रिपेमेंट करने का, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, पे करने में सक्षम नहीं है, तो क्या हुआ कि उस केस के अंदर जो मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है। तो इस ध्यान दीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है, और इस तरह की कंपनी भारत के अंदर नहीं पाई जाती, दिस टाइप ऑफ कंपनी आर नॉट फाउंड इन इंडिया। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये सभी कुछ। उसके बाद कहते हैं जी आपके कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, हम आगे मेंशन करें, सबसे पहले हम डिस्कवर लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। गारंटी मतलब यह है कि अगर ये जो गारंटी है, जो गारंटी की अमाउंट है कम हुआ जाए, कब हुआ जाए, ओनली इन द केस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी किसी वाइंड अप केस में, वाइंडेबल बंद होने की कगार में, तो उससे जो मेंबर है, मेंबर से जो पैसा मंगवा सकता है, गारंटी तक की मंगवा सकते हैं। सपोज करते हैं कि कंपनी कहते हैं कि सपोज करते हैं एक कंपनी है, एक शेयर होल्डर है ए, तो उसे सपोज करते हैं 1000 रुपए देने हैं, तो सपोज करते हैं 1000 रुपए उसने कंपनी के अंदर पे किया है। बट कंपनी कहती है कि अगर आपसे 100 रुपए भी और मंगवा सकते हैं, कब मंगवा सकते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब बंद होने के कारण आती है। तो इनमें कहने में लगेगा कि जो 100 रुपए बन गया यहाँ पे, क्या बन गई गारंटी की अमाउंट बन गई। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो एक शेयर होल्डर है, एक मेंबर है, तो उससे कितने पैसे मंगवा सकते हैं, गारंटी अमाउंट तक मंगवाया जा सकता है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात होगी जी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात करते हैं, यहाँ पे तीन टाइप की कंपनी होती है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी वन पर्सन कंपनी बोलते हैं इसको। अब बात आती है जी प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है जी, ध्यान दीजिए एक बार, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर इसका मेंशन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर इसको मेंशन किया है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑथराइज किया, क्या कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इसके मेंबर पहले इसकी कुछ फीचर बताते हैं, विशेषता बताते हैं कि उसको प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा, पब्लिक कंपनी बोला जाएगा, या फिर ओपीसी बोला जाएगा। तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं हम, प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे, जिसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होंगे, 2 होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे, 200। ध्यान दीजिए एक बार, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे इसकी। दूसरा बात कहते हैं रेस्ट्रिक्शन की, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है,
कि ये जो ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसपे लगाई, ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या है कि एक शेयर होल्डर दूसरे पर्सन को अपनी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन। तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई परमिशन लेनी पड़ेगी, मीन्स कहने का मतलब फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता रजे। तो यह रेस्ट्रिक्शन पर प्रतिबंध लगाती है रजे प्राइवेट कंपनी। तीसरा रजे इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब क्या है कि एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी मतलब सॉरी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती किसको शेयर को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इट मीन्स नॉट इन्विटेशन कैन बी सेंड टू द पब्लिक। क्या है कि तो मतलब अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी सपोज करते हैं कि पैसा चाहिए इसको मतलब पैसे शेयर को इशू, इट मीन्स तो ये रहेगी आपको कंपनी जो शेयर इशू तो करेगी। अब ये शेयर जो इशू किए जाएंगे ये प्राइवेट पर्सन मतलब कोई इंस्टीट्यूशन को शेयर इशू किए जाते हैं मतलब तभी मतलब यहाँ पे पब्लिक को कहने मतलब ये हुआ कि इन्विटेशन मतलब पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती खरीदने के लिए अपने शेयर को। क्लियर? अगर यार आपका वर्ड वर्ड की बात करते हैं एट द एंड, एक प्राइवेट कंपनी को अपने एंड के नाम के एंड में क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। ध्यान दीजिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। एक प्राइवेट कंपनी को अपने एंड में क्या नाम यूज करना है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। अब बात आती है रिजे पब्लिक कंपनी की। इन सारी फीचर को छोड़ के इसके अपोजिट जाके रिजे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जो मेंशन किया गया रिजे सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। ध्यान दीजिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अंदर मेंशन किया गया जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है इसमें मेंबर, इन चारों फीचर के बेसिस में यहाँ पे पब्लिक कंपनी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पहला है रिजे मेंबर, जो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 7 होते हैं रिजे, और मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं अनलिमिटेड, कितने भी मतलब मैक्सिमम मेंबर होते हैं जो अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए, 7 मेंबर होने चाहिए रिजे। दूसरा रिजे रेस्ट्रिक्शन, ये कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते रिजे। यहाँ पे एक शेयर होल्डर अपने शेयर को दूसरे शेयर होल्डर को या फिर दूसरे पर्सन को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं रिजे। तीसरा रिजे आपका इन्विटेशन, ये पब्लिक कंपनी इसलिए कि पब्लिक को इन्वाइट करिए अपने शेयर को खरीदने के लिए, किसको इन्वाइट कर सकती है पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है। आगे रिजे आपका वर्ड की बात करते हैं, ये एंड में आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना है, यहाँ पे कोई पब्लिक वर्ड यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है लिमिटेड वर्ड यूज किया, तो इट मीन्स वो कंपनी कौन सी आपकी पब्लिक कंपनी है। अगर किसी कंपनी के लास्ट एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया गया तो क्या है प्राइवेट कंपनी। सपोज एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको एबीसी लिमिटेड, तो ये कौन सी कंपनी है जी, ये आपकी पब्लिक कंपनी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जी, ये आपकी प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया सभी को। आपको प्राइवेट कंपनी आ गई, पब्लिक कंपनी दोबारा बात हूँ, सेक्शन 2 से सेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी मेंशन है, सेक्शन 2 से सेक्शन 71 के अंदर पब्लिक कंपनी मेंशन है। अब बात आती है जी वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी कौन सेक्शन 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर इसको मेंशन किया गया, इसको क्लैरिफाई किया गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि एक कंपनी एक मेंबर एक कंपनी को बना सकता है, एक मेंबर है जो एक कंपनी को वन पर्सन कंपनी को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ओपीसी खोल सकते हैं। बट उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन खोलेगा कंपनी ओपीसी ओपन करेगा उसको लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं जिस ईयर से मतलब सपोज करते हैं आज 2022 है, मतलब इस जो करंट ईयर चल रहा है वो 2022 चल रहा है, इससे जो लास्ट ईयर है 2021 के अंदर यहां से यहां तक इस लेवल तक वो पर्सन भारत के अंदर मतलब हमारी कंट्री के अंदर कितने स्टे किया हो, कम से कम मिनिमम 182 डेज, मतलब कम से कम उसने 182 दिन हमारे देश के अंदर बिताए हों तभी वो हमारी कंपनी मतलब ओपीसी खोल सकते हैं। ध्यान दीजिए एक बार दोबारा, करंट ईयर कितना चल रहा है 2022, इससे पीछे वाला ईयर कौन सा था 2021, 2021 से लेकर 2022 तक के बीच में मतलब अभी से मतलब यहाँ से यहाँ तक पीछे वाले पीरियड में एक साल के अंदर उसको कम से कम कितने दिन हमारे यहाँ पे बिताए हो 182 दिन कम से कम बिताए, इससे ज्यादा भी इसको अगर किसी ने मतलब वो पर्सन जो एक ओपीसी खोल रहा है अगर उसने 180 दिन 181 दिन भी भारत के अंदर लगाए तो ओपीसी नहीं खोल सकता। क्लियर है? तो उसके बाद रहता है क्लियर है, तो कुछ रिक्वायरमेंट और भी है जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होती, जो एनुअल टर्नओवर है इसका एवरेज एनुअल पिछले 3 सालों का एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। सपोज करते हैं मैं मेंशन कर देता हूं, सपोज करते हैं 2017 18 19 तीन साल का रजिस्ट, सपोज करते हैं 3 4 5 5 4 3 9 9 3 12 तो 3 इयर्स का कितना गया एवरेज 4 करोड़, सपोज टर्नओवर 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे टर्नओवर है 17 18 19 का एवरेज कितना आ गया इसका 4 करोड़, तो यहाँ पे कंपनी ओपीसी नहीं खोली जा सकती, तो एवरेज टर्नओवर मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 करोड़। क्लियर है? उसके बाद कहते हैं रजे आपका
पर्पज, किस पर्पज से ओपीसी खोली जाए, बिल्कुल सही बात क्लैरिफाई करता है कि मतलब किस उद्देश्य से कोई पर्सन, अगर कोई एक पर्सन आप ओपीसी खोलता है तो इट मीन्स वो पैसे कमाने के लिए बोला, ऑब्वियसली ये मतलब तो इट मीन्स वो पैसे को मतलब अर्निंग मनी पैसे कमाने के लिए ओपन करेगा। मतलब कहने मतलब ये है कि वो कोई भी चैरिटेबल पर्पज से ओपीसी नहीं खोल सकता, कोई भी पर्सन चैरिटेबल पर्पज से ओपीसी नहीं खोल सकता। कन्वर्जन की बात करते हैं, कहते कि ओपीसी को या तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में कब कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? जब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसके रजिस्ट्रेशन के 2 साल कम से कम कंप्लीट हो गए, मतलब आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द 2 years, 2 साल के बाद इसको कन्वर्ट किया सकता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकती है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी जो जब इस कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी कन्वर्ट किया जाएगा तो इसकी जो ये रिक्वायरमेंट है बेसिक 50 लाख और 2 करोड़, जो टर्नओवर है 2 करोड़ और जो पेड से कैपिटल है जो 50 लाख, इससे बियॉन्ड जान से बियॉन्ड का मतलब इससे ऊपर जानी चाहिए, बिल्कुल समझ गए, क्योंकि ओपीसी एक पर्सन ओपन करेगा तो इट मीन्स यहाँ पे लिमिट थी इसकी, बट ये लिमिट क्या हो जाएगी, अब क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि अब जो 50 लाख है वो इससे ज्यादा हो जाएगी इससे पेड से कैपिटल, और जो 2 करोड़ इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स का है तो वो भी टूट जाएगा, इसको क्रॉस कर देगा, इससे ऊपर जाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, इसको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया सकते हैं। कहने की बात हुआ कि ओपीसी को हम किस में कन्वर्ट सकते हैं, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कब, जब इसको 2 साल कंप्लीट हो गए चलाते हुए। दूसरी बात कहते हैं कि इसकी जो पेड सेल कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हुई हो, और तीसरी बात कहते हैं जो आज का एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स का 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब हम इसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोबारा से एक बार बताता हूँ फिर से, इसकी फीचर्स हो गई, मीनिंग किया हमने आज इसका, इसकी फीचर्स की हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी क्या, टाइप्स ऑफ कंपनी लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हमने पढ़ा है। कंपनी अनलिमिटेड कंपनी में आपको मेंशन किया गया इसकी मेंबरशिपिटी अनलिमिटेड होती है, तो इस तरह की कंपनी भारत के अंदर नहीं पाई जाती, इंडिया के हमारी कंट्री के अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी आती है, इसके अंदर जो 4 फीचर बेस हमने प्राइवेट कंपनी मेंशन किया। उसके बाद पब्लिक कंपनी 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के अंदर इसको मेंशन किया मैंने, इसकी 4 फीचर बेस पे 1% कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 के अंदर हमने इसको मेंशन किया है। कोई भी पर्सन एक पर्सन या नहीं चाहिए दोबारा से 1% कंपनी के अंदर एक पर्सन ओपन तो कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब अपने चलाएगा तो 1%, बट वो अपनी सहायता के लिए असिस्टेंट के रूप में कितने मेंबर रख सकते हैं, मतलब अपनी हेल्प के लिए किसी अपने अंडर में रख सकता है, चला सकता है। कहने मतलब है कि जो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा वो एक मेंबर पे के नाम से ही होगा, मतलब एक पर्सन के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, एक पर्सन मेंशन किया जाएगा यहाँ पे जो उस कंपनी को ओपन करेगा 1% कंपनी। आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो।